अभी नेक्स्ट जा रहे हैं टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए, तो हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में कोणार्क टेम्पल। तो आप गाड़ी मिलते हैं कोणार्क टेम्पल में, टेम्पल के पास। चलिए ब्लॉग पर देखते हैं। आज मैं यहाँ पे कोणार्क टेम्पल जाने के टाइम में के यहाँ पे समंदर बीच देखा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं घूमने के लिए आ गया हूँ, उसका नज़ारा यहाँ पे देख रहा हूँ। ये जो बीच है रामचंडी मंदिर के पीछे वाला नज़ारा है, ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे बोट के अंदर बैठा हूँ, छोटा वाला देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं हेलमेट को भी पकड़ के ले आया हूँ इधर, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ बैक कैमरा से। तो ये है समंदर का नज़ारा, वो साइड में रेत दिख रहा है, उसके आगे भी पानी है, पानी है। तो यहाँ पे जो बीच है उसके अंदर बैठे हुए हैं, ये है वो बोट का नज़ारा और वो है किनारा। तो चले यहाँ से चलते हैं और आगे वाला ब्लॉग दिखाते हैं आगे। गाइज मैं आके फाइनली पहुंच चुका हूं कोणार्क मंदिर के सामने, जिसको बोलते हैं सूर्य टेम्पल। और यहां पे देख सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है, यहां पे बहुत जगह से पर्यटक आते हैं। फिलहाल अभी कोविड-19 के लिए इधर ज़्यादा लोग दिख नहीं रहा है, और इन लोगों के पास एक गाइड रहते हैं, इनको इसके बारे में मंदिर के बारे में सब कुछ बताते हैं। चलिए हम ऊपर चलते हैं और जानते हैं थोड़ा मंदिर के बारे में। तो गाइज यहाँ पे ये जो मंदिर देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है, इस मंदिर का नाम है कोणार्क टेम्पल, जिसको बोलते हैं सूर्य मंदिर। और ये ओडिशा स्टेट का पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है, को राजा नरसिम्हा देवा ने बनाया था 13th century में। और ये दो मंदिर के टाइप दिखता है, जो मैं जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये जो दिख रहे हैं सामने, ये और एक मंदिर है। दो मंदिर बनाया गया है। जो मेन मंदिर है उसका नाम है बीमाना, जिसका हाइट है 229 feet और 70 meters में होता है। और दूसरा जो है जगमोहन, और उसका हाइट है 128 feet 39 meters। तो गाइज ये जो मंदिर है, पूरी जगन्नाथ जो टेम्पल रहता है, जगन्नाथ मंदिर, वहाँ से थोड़ा ही दूर में है, लगभग 40 kilometers दूर है। आप चाहे तो अगर जगन्नाथ मंदिर जाते हो घूमने, तो कोणार्क मंदिर जरूर घूम के जाना, बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे जो बहुत जगह है घूमने के लिए, तो मैं यहाँ पे सब कवर नहीं कर पाया घुमा के, तो आप आके जरूर देख के जाना। और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आपको, गूगल में जाके सर्च करके इसके बारे में जान सकते हो। मैं थोड़ा कुछ जब जितना ही जानता था उतना ही बता दिया, और फिलहाल के लिए उसके अंदर ना जा नहीं सकते, क्योंकि मंदिर बहुत पुराना है, और उसके साथ हाथ मारोगे तो पत्थर गिर सकता है, इसलिए कोई अंदर जाने नहीं देते। तो अच्छा लगा आपको घुमाया आप इधर। और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह मिलता है, चीज़ मिलता है यहाँ पे। अगर कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से जाके खरीद सकते हो। और यहाँ पे कोरोना के लिए फिलहाल बहुत कुछ दुकान बंद है, और कुछ आगे अगर ठीक होता है तब खुल जाएगा। तो गाइज मैं वहाँ पे वीडियो को एंड नहीं कर पाया था, तो फाइनल में आके अभी घर पे पहुँच चुका हूँ। तो गाइज आज का जो वीडियो था थोड़ा सा छोटा था, और बहुत जगह भी मैं कवर नहीं कर पाया वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आज का जो छोटा सा ब्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों इस तरह का ब्लॉग आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।